हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग विद खुशी। कैसे हैं आप लोग? आज है हमारा नर्सिंग केयर प्लान ऑन ब्रेस्ट एब्सेस। ये टॉपिक मैंने सेकंड ईयर में भी देखा है, थर्ड ईयर में भी है। आप लोग इसे बना सकते हैं किसी भी ईयर के स्टूडेंट्स। फॉर्मेट तो सबका सेम ही होता है। स्टार्ट करते हैं एनसीपी को आइडेंटिफिकेशन डाटा से। हमें पहले पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखना है, क्योंकि ये गायनी का टॉपिक है, इसलिए मैंने गायनी वर्ड डाला है। आप जिस भी सब्जेक्ट में इसे बनाएंगे तो आप उससे रिलेटेड वर्ड लिखिएगा। देन उसके बाद हमारी आ जाती है यहाँ पे प्रेजेंट मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री, देन पास्ट मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री। ओके, देन उसके बाद आ जाएगा हमारा फैमिली हिस्ट्री, जिसमें हम फैमिली के बारे में लिख देंगे, फैमिली ट्री बना देंगे एंड टेबल बना देंगे फैमिली का। ओके, देन उसके बाद हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन लिख देंगे, जो भी आपको इन्वेस्टिगेशन मिलती है। मेरे को नहीं मिली थी इसलिए मैंने सिर्फ खाली कॉलम लिखा है। जो भी मेडिकेशन है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमारा है नर्सिंग डायग्नोसिस। इसमें हमें हेड टू टो असेसमेंट नहीं लिखना होता है, फिजिकल असेसमेंट नहीं लिखना होता है, क्योंकि हमारा सिर्फ ये एनसीपी है। यहाँ पे 5 मैंने नर्सिंग डायग्नोसिस लिखे हुए हैं। यहाँ पे हमारा कॉलम, यहाँ पे हमारे कॉलम्स मैंने बनाए हुए हैं असेसमेंट के, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल्स, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन। सब्जेक्टिव हमारा वो होता है जो पेशेंट हमें बताता है, ऑब्जेक्टिव हमारा वो होता है जो हम खुद ऑब्जर्व करते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस हमारा क्या है वो हमने पीछे से जो पॉइंट्स थे उनमें से लिखना है। गोल क्या है, इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या गोल है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। देन उस गोल को अचीव करने के लिए हम क्या प्लानिंग करते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, और उस प्लानिंग को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो इम्प्लीमेंटेशन में आता है। देन इवेल्युएशन, क्या रिजल्ट आया उसका, उस चीज़ को आपको यहाँ पे लिखना है। ये हमारा फर्स्ट एनसीपी है। देन उसके बाद हमारा दिस इज़ अ सेकेंड एनसीपी सेम फॉर्मेट के साथ। आपको फॉर्मेट चेंज नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद ये हमारा थर्ड एनसीपी है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे बिब्लियोग्राफी, मैं हमेशा बोलती हूँ बिब्लियोग्राफी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये बिब्लियोग्राफी मैंने लिखा हुआ है कि मैंने बुक से लिखा था, बाकी आप यूट्यूब चैनल वगैरह अगर किसी का भी नाम डाल सकते हैं, वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ, जूनियर्स के साथ, सबके साथ शेयर कीजिए। फॉर्मेट के लिए आप डिट्टो भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सब लोग लिखते हैं। ओके, सो थैंक यू।